में आगे बढ़ रही है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश अपनी सक्रिय भूमिका के साथ इसमें योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञ तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते थे कि 25 अप्रैल के बाद यूपी की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाएगी, कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले प्रतिदिन आएंगे, अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की टीम ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घटकर के मात्र 84,000 रह गए हैं। 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहां सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे, आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। यानी ये वह अभियान है जो ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका परिणाम भी इसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था, फर्स्ट वेव में संक्रमण था लेकिन सेकेंड वेव में उससे भी कई गुना, लगभग 30 से 50 गुना संक्रमण था। अचानक एकाएक एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई, ऑक्सीजन की डिमांड हुई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड्स की डिमांड हुई, लेकिन आज उसको भी नियंत्रित किया गया। पहली बार आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, उद्योगों में जाने वाली ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में बदल करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया और इसके बाद हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। अगर चित्रकूट मंडल को ही हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं लेकिन 9 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कहीं सिविल वर्क प्रारंभ हो चुका है, उन पर कार्य की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है, आज पॉजिटिविटी 2% के आसपास है, रिकवरी हमारी 93% से अधिक है, टेस्ट की क्षमता बढ़ाई है हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मैंने हर जनपद से कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए समय पे कोविड पॉजिटिव को ट्रेस करना और उसका टेस्ट कराना, निगरानी समितियों को हम लोगों ने गांव गांव में भेजा, आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट करती है, मेडिसिन किट हम पहले चरण में निगरानी समिति के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। उसका परिणाम था कि जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे गांव की स्थिति अत्यंत खराब होगी, आज वे गांव पूरी तरह, गांव के लोगों की जागरूकता, निगरानी समितियों की सक्रियता, आरआरटी टीम के द्वारा समय पर टेस्ट करने का परिणाम है, वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अभियान उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कोरोना के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को विजयी बनाने की हर व्यक्ति के मन में
एक संकल्प दिखाई देता है और उस संकल्प के साथ ही मैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर आया हूं। यहां के जनप्रतिनिधिगण, यहां की प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल कॉलेज, हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, कोरोना कर्फ्यू लगाया। सामान्य गतिविधियां चल रही हैं, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें हमारी चल रही हैं, सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को हम निरंतर चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कार्य अगर इससे प्रभावित हुए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को मई और जून में 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून जुलाई अगस्त में उत्तर प्रदेश के हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जो भी जरूरतमंद हो उसको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। हर जनपद में कम्युनिटी किचन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। जरूरतमंद मरीज के परिजन, उनको भोजन मिल सके, कहीं उनको भटकना ना पड़े, इसके लिए ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे उनकी आजीविका चलती थी, उनको भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, हर जिले से सूची मांगी जा रही है। जून प्रथम सप्ताह में इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। वैक्सीनेशन एक बड़ा सुरक्षा कवच है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी और एक तीसरी वैक्सीन भी स्पुतनिक देश के अंदर आ चुकी है। यद्यपि जुलाई अगस्त में कई अन्य भारतीय वैक्सीन मार्केट में आने वाली हैं, लेकिन ये 2 वैक्सीन अभी संचालित हैं और इन 2 वैक्सीन को हम प्रदेश के अंदर उपयोग भी कर रहे हैं। हमने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहले चरण में 9 जनपदों में जो सबसे ज्यादा जहां एक्टिव केस थे उनको लिया। फिर हम लोगों ने अपने सभी 18 नगर निगम जिन जनपदों में थे उनको लिया। फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी मुख्यालय को इसके साथ जोड़ा और अब हम लोग 1 जून से प्रदेश के हर जनपद में जैसे 45 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे 18 से लेके 44 आयु वर्ग के भी प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया हो, जनप्रतिनिधिगण उसमें सक्रिय सहभागिता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हर एक जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से काउंटर लगे, एक एक सेंटर उनके लिए बना दिए जाएं, जहां पर वे और उनके परिवार के परिवारजन वैक्सीन लेकर के एक सुरक्षा कवच उनको प्राप्त हो सके। ये व्यवस्था भी 1 जून से पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के खिलाफ ये देश की लड़ाई, चित्रकूट मंडल बहुत अच्छे ढंग से इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है, उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज की भूमिका रही हो, हर जिले के अंदर स्वास्थ्य की टीम का, प्रशासनिक टीम का, पुलिस की टीम का या फिर जनप्रतिनिधियों की भूमिका, सभी ने पूरी जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। मेरी आप सबसे भी अपील है, वैक्सीन लेने के लिए और कोरोना टेस्ट करने से कोई भागे ना। हर व्यक्ति, हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, वे टेस्ट कराने में अपना योगदान दें। हम उनको मेडिसिन किट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उपचार भी फ्री है,
सारी सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, इसलिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, वैक्सीन के लिए गांव-गांव में भी हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। हर जागरूक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। दूसरा, कोरोना संक्रमण को ब्रेक करने में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में उनको घर के बाहर नहीं जाना है, घर में भी मास्क धारण करना है। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो निकलना तो ही वे निकलें, अन्यथा अनावश्यक बाहर ना निकलें, लेकिन बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। अगर हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, हर व्यक्ति इसका पालन करता है, कोरोना की चेन को हम ब्रेक करने में सफल होंगे। और हमारा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हर एक नागरिक के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, अवश्य कोरोना को हम परास्त करेंगे और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद जी। जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी।